Assalamualaikum my YouTube family, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे. आज की जो वीडियो है ना, आज मैंने सबके मसले हल कर देने हैं जिस जिस के फेशियल हेयर को लेके मसले हैं. अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगी, फेशियल हेयर परमानेंटली कभी भी रिमूव नहीं हो सकते, बहुत कम हो सकते हैं, परमानेंटली रिमूव नहीं हो सकते क्योंकि नेचुरल चीज़ है. ठीक है, सबके बाल होते हैं. मुझे काफ़ी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं कि आपके भी बाल हैं. जी हाँ जी, मेरे भी बाल हैं, सबके बाल होते हैं, कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसके बाल ना हो. सर से लेके पांव तक इंसान हेरी होता है, बस ये फ़र्क होता है कोई ज़्यादा हेरी होता है, किसी के ज़्यादा बाल होते हैं और किसी के कम बाल होते हैं. इसलिए परेशान नहीं होना है, सबके बाल होते हैं, सब हम एक जैसे हैं. और अब हम लोगों ने फेशियल हेयर को कम किस तरह करना है, ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने पंगे ले लेके ना अपने फेशियल हेयर को ज़्यादा किया हुआ है और काले हो गए हैं बाल, मोटे हो गए हैं बाल, उसके बाद किसी को जिसको समझ नहीं लगती कि उसकी स्किन टाइप के लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है. चीज़ हर सही होती है, अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हो, अगर आप वैक्स यूज़ कर रहे हो, थ्रेड यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ सही है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए. ठीक है, इस वीडियो में मैं सारा अपने मुंह पे एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करके दिखाने वाली हूँ ताकि आप लोग को तसल्ली हो जाए और यूज़ करने का तरीका आ जाए ताकि आप अच्छी तरह सब चीज़ें यूज़ कर सके. ठीक है जी. अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम अपना जादुई सिरम तैयार करते हैं जो कि हम लोगों ने अपने मुँह पर हर हफ्ते लगाना है. उससे आप लोगों के बाल इतने कम हो जाएंगे, आई गारंटी दे रही हूँ, गारंटी आज बैठ के. आप लोगों को तीन महीने आप लोगों ने हर हफ्ते लगाने हैं और आप लोगों के बाल बहुत कम हो जाएंगे. ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने एक पटखरी लेनी है, उसको पटखरी फिटकरी जो भी आप लोग कहते हैं, ठीक है, पंसार की दुकान से आप लोग को मिल जाएगी. इस तरह का एक स्टोन होता है, क्रिस्टल सा, ठीक है, उसको मैंने इस तरह पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है. ये मैं अपने वॉशरूम में रखती हूँ, पाउडर बना के इसको यूँ कैप देके मैं अपने वॉशरूम में मेरे हर वक्त मौजूद होता है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हम लोगों को नीम गर्म पानी चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी नहीं चाहिए, उबला हुआ बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन गर्म पानी चाहिए, ठंडा नहीं हो, नीम गर्म पानी हो, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा हो. ये देखे, इसमें मैंने नीम गर्म पानी किया हुआ है. अब इन दोनों को हमने मिक्स करना है. अब इसकी क्वान्टिटी हमने कितनी रखनी है, 1:2, एक अगर स्पून इसकी डाल रहे हैं तो 2 टेबल स्पून हम वाटर की डालेंगे, मतलब आधी क्वांटिटी इसकी, डबल क्वांटिटी, इससे डबल क्वांटिटी वाटर की होगी. चले जी, अब हम बनाते हैं. स्पून ली, ठीक है जी, ये मैंने हाफ स्पून ली, ठीक है, अगर हाफ लेंगे तो 1 चम्मच भर के पानी का डल जाएगा इसके अंदर. ये मैंने हाफ स्पून इसके अंदर पटखरी को मैंने क्रश किया हुआ है, किसी तरह भी कर लो, वो जिससे पीसते हैं मिर्चे शिर्चे उससे मैंने किया हुआ है, उसके ऊपर कपड़ा रख के पटखरी के ऊपर. ठीक है जी, अब हम पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, लेकिन पटखरी जितनी होगी उससे डबल पानी ऐड किया जाएगा. ठीक है, ये मैंने पानी ऐड कर दिया, पानी तो नज़र नहीं आना तो इन्हों. मिक्स 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 मिक्स. ठीक है जी, ये अंदर डिजॉल्व हो गई है क्योंकि पानी गर्म था, ये सारी अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गई. अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है कि ये हमारा पानी तैयार है. हम लोगों ने जब इसको बनाना है, हमने न्यू बनाना है, हमने बना के रख नहीं देना, थोड़ा जो हिल लिया करो, इन्नी सुस्ती चंगी नहीं. ठीक है जी, जब हमने बनाना है, न्यू पानी बनाना है, नीम गर्म पानी हो अंदर डाल के, इसको पकाना नहीं है चूल्हे पर. अगर चूल्हे में ज़्यादा आप लोगों को गर्म पानी चाहिए तो चूल्हा नीचे से बंद करके फिर उसके अंदर पटखरी डालनी है. ठीक है, आप लोगों ने उसके बाद हमने क्या करना है, कॉटन बॉल लेनी है. ये हम पानी ऐसे भी लगा सकते हैं, कुछ किए बगैर, फेशियल हेयर रिमूव किए बगैर, हम लोगों ने जहाँ जहाँ हमारे बाल हैं हम लोगों ने ये अप्लाई कर देनी है. ठीक है, जिस तरह मैं कर रही हूँ, जहाँ पे पिंपल्स हैं वहाँ पे अप्लाई कर दो, पिंपल्स भी श्रिंक हो जाएंगे, स्किन भी टाइट हो जाएगी. ठीक है, मैं इधर नहीं करूँगी, ये वाले बाल अच्छे लगते हैं मुझे. ठीक है जी, ये मैंने सारे कर दिए. हाँ जी, एक तो ये वाला तरीका हो गया, इसको हम बगैर मुंह से बाल उतारे भी अपनी स्किन पे लगा सकते हैं. मैंने ना अक्सर क्या किया होता है, वॉशरूम में इस तरह रखी होती है ना पटखरी, तो जब मैं मुंह धोती हूँ हल्का, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मैं यूँ अपने मुंह पे बिल्कुल हल्का हल्का यूँ कर देती हूँ और 20 मिनट के बाद मुँह साफ़ कर लेती हूँ. ठीक है, हफ्ते में मैं गर्म करके अंदर मिक्स करके फिर लगाती हूँ आधे घंटे के लिए, जब मैं फेशियल हेयर रिमूव करूँ या कुछ भी करूँ, या वरना मुंह धोने के बाद हल्के हल्के हाथों के साथ जहाँ जहाँ है ना मसाज करें. इससे कोई स्किन डैमेज नहीं होती, कोई स्किन काली नहीं होती, जिसको
इशू है कि स्किन ख़राब हो जाएगी, स्किन काली हो जाएगी, कुछ भी नहीं इससे होता। आप लोग करके देखिए, कोई इरिटेशन नहीं होगी। अगर जिसकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है ना, वो क्या करे कि अंदर रोज़ वाटर ऐड कर ले, ठीक है, पानी की जगह वो रोज़ वाटर ऐड कर ले, तो बिल्कुल भी आपकी स्किन को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी, अब हम मेथड करते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा है? थ्रेड। सबसे पहले थ्रेड को हम डिस्कस कर लेते हैं। फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए कुछ लड़कियां थ्रेड यूज़ करती हैं और कहती हैं हमारे पिंपल्स हो गए हैं, हमारे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है, ईचिंग हो रही है, ख़ारिश हो रही है। कभी आप लोगों ने नोट किया है जब पार्लर से आप लोग करवाते हो, किस तरह वो लड़की वैक्स करती है? इस तरह मुँह में दे के, इधर पकड़ के, यो, ठीक है, यूँ करती है ना। अब ये वाला थ्रेड का हिस्सा लड़की के मुँह में होता है, ठीक है। थ्रेड किससे बना हुआ है? कॉटन से। अगर मुंह में रखेंगे, उसका जो थूक होगा ना, सारा सलाइवा पूरी स्ट्रैंड के अंदर चला जाएगा और वो आपकी स्किन पर टच होता रहेगा। जब आपकी स्किन पर वो टच होता रहेगा ना, वो रिएक्शन कर देगा। जिनकी सेंसिटिव स्किन होगी उनकी स्किन पे तो ख़ारिश होनी शुरू हो जाएगी, पिंपल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और जिनकी सेंसिटिव स्किन नहीं होगी उनको कोई कुछ फील नहीं होता। इसलिए जब आप लोगों ने इससे थ्रेड से करवानी है, जो लोग थ्रेड के आदी हैं उन्होंने क्या करना है, लड़की को कहना है मुंह में थ्रेड नहीं डालना है, हाथ में पकड़ के, ठीक है, हाथ में पकड़ के उन्होंने यूं थ्रेडिंग करनी है, सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद आप लोग ने थ्रेडिंग कर ली मुंह से, क्योंकि मैं थ्रेड यूज़ नहीं करती हूँ, मैं प्रेफर भी नहीं करूँगी थ्रेड कोई इस्तेमाल करे। जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं और वो सेटिस्फाइड हैं, वो यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद अगेन हमने ये पानी लेना है थ्रेडिंग करने के बाद, और पटखरी का पानी अपने लगा देना है। सपोज मैंने थ्रेडिंग कर ली है और मैंने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है जी, अब मैंने 20 मिनट्स के बाद अपना फेस वॉश कर लेना। अच्छा जी, ये हो गया पहला मेथड। अब आती है दूसरे मेथड की बारी। अच्छा जी, तो जनाब अब दूसरे मेथड की बारी आती है जो के मुंह पे वैक्स यूज़ करते हैं। अच्छा जी, वैक्स के बारे में कुछ लड़की कहती है हमारा मुंह जल जाता है, हमारे मुंह पे रैश हो जाता है, स्किन उतर जाती है। स्किन तब उतरती है जब आप लोग एक्स्ट्रा हॉट वैक्स अपने मुंह पे अप्लाई करते हो। वैक्स बहुत आसान और सेफ़ तरीका है। मैंने अपने मुँह की 2 दफ़ा वैक्स की हुई है, कुछ भी नहीं होता। बस इन बातों का ध्यान रखना है, वैक्स इतनी गर्म हो कि आप अपनी फिंगर डिप कर सको उसके अंदर, आपको हल्का हल्का कोसा कोसा नहीं कहते, कोसा कोसा फील हो रहा हो, उतनी गर्म होनी चाहिए, उससे ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। जो लड़कियाँ कहती हैं हमारी स्किन मतलब लटक जाती है वैक्स यूज़ करने से, दाने बन जाते हैं, दाने क्यों बनते हैं? देखो हमारे एक तो हमारा मोस्ट सेंसिटिव सबसे ज़्यादा पार्ट होते हैं, और एक हमारी अंडरलेग सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। उन पर हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पार्ट लगा के बाल रिमूव करते हैं, थोड़ी थोड़ी वैक्स लगा के बाल रिमूव करते हैं। मुँह पर हम एक ही लेयर लगा लेते हैं, हमने एक लेयर नहीं लगानी। अब तो मेरी वैक्स ठंडी हो गई है वीडियो बनाते बनाते ही। चलें जी, ये शुगर वैक्स है, ये घर की वैक्स बनी हुई है। अगर जिसने घर की वैक्स बनानी सीखनी है, मैंने वीडियो में सिखाई हुई है, आप लोग हाउ टू मेक वैक्स लिख के सर्च कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगी। और उसके बाद फ्रूट वैक्स यूज़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। फ्रूट वैक्स इतनी चिचड़ होती है ना, वो जहाँ चिपक जाती है ना, चिपक ही जाती है। इसलिए हमेशा ये वैक्स यूज़ करनी है, ठीक है। वैक्स यूज़ करने का क्या तरीका है? बाल नीचे की तरफ है, हमने ये देखे नीचे की तरफ ये लगा लिया, ठीक है, नीचे की तरफ लगा लिया। इतने इतने पार्ट्स करके हम लोगों ने अपने फेशियल हेयर रिमूव करने, ज़्यादा बड़ी लेयर नहीं लगानी। अब जो लड़कियां कहती हैं मुंह लटक जाता है, उसके लिए हमने क्या करना है, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने पड़ते हैं। ये देखो मुंह को एंगल हमने यूं रखना है, लगानी हमने सही रख के मुंह में, एंगल फिर हमने यूं रखना है। ये देखो लग गई, इसको थोड़ा सा रब किया, टाइट हो गई स्किन, दैट्स इट। कुछ भी नहीं होगा, स्किन नहीं लटकेगी। इस फेस को बना के आप लोग वैक्स करोगे, इतने इतने पार्टीशन में करोगे, ना पिंपल निकलेंगे, ना ही आप लोग स्किन लटकेगी, ना ही झुरियाँ पड़ेंगी, ना ही आप लोग स्किन डैमेज होगी, ना ही स्किन उतरेगी। वैक्स मेरी इतनी गर्म थी कि मुझे सुकून मिल रहा था, मतलब कि हल्की हल्की धीमी धीमी गर्म थी, ठीक है। फिर मैंने मुँह यूँ किया और फिर यूँ उतारी, ढीला मुँह छोड़ के वैक्स नहीं उतारनी, ओ करके फिर उतारनी है, ठीक है जी। ये मैंने आपको वैक्स उतार के दिखा दी। उसके बाद जनाब साहब फिर हमने क्या करना है जी, पटखरी का पानी लेना है, जो जादुई हमारा पानी है वो हमने जहाँ पे वैक्स की है वहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है, दैट्स इट। एक ये तरीका हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ।
हाँ जी, अब ये तरीका आता है रेजर जो कि आजकल मार्केट में बड़ा इनका ट्रेंड चल रहा है, हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़ी फैंसी शैंसी सी लगती हैं, इसको यूँ बंद कर देते हैं, इसको यूँ खोल देते हैं, और इधर इसके ब्लेड लगा होता है। ये कहीं से मिल जाती है, हज़ार कह रही हो तेरी, 100 रुपए की मिल जाती है, ठीक है जी। आप या 300 रुपए के 3 सेट मिल जाते हैं, मिनीसो से मिल जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं इसको यूज़ करने वक्त, हम लोग सूखे मुंह पे इसको इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, और सही यूज़ करने का तरीका नहीं आता। मैं जब यूज़ करती हूँ, मैंने किस तरह यूज़ किया, मैं इसको यहाँ से बाल रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ, और ये चीज़ रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ। मैं फेस पे यूज़ इनको नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ऐसे मेरे मोटे बाल आ जाएंगे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं शुगर वैक्स से ही कंफर्टेबल हूँ, और वैसे भी अब तो मैं शुगर वैक्स भी यूज़ नहीं करती। जब से मैंने पटखरी का पानी लगाना शुरू किया, मेरे बाल इतने कम हो गए। ट्रस्ट मी, करना शुरू कर दो, 3 महीने लगेंगे, प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन गारंटेड रिजल्ट्स हैं, ठीक है जी। अब इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, देखो, वैक्स हमने यूं लगाई थी और यूं उतारी थी, इसको हमने यूं बाल रिमूव करने हैं। बाल यूं है ना, तो हम लोगों ने नीचे से ऊपर की तरफ लेके नहीं जाना, बालों की डायरेक्शन में यूं जाना है, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी कंडीशनर लेंगे, अपने बालों को सॉफ्ट करेंगे, हार्ड बाल रिमूव नहीं करेंगे, हार्ड ही बाल आएंगे। मैं तो लॉरियल का कंडीशनर यूज कर रही हूँ, ठीक है जी। लॉरियल थोड़ा सा, ये देखें, थोड़ा सा लिया, मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। ये मैंने कंडीशनर लगा दिया, ठीक है, ये मैंने कंडीशनर लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, कोई भी मिरर ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह मुझे नजर नहीं आएगा। मिरर ले लिया, अब मैं ओह, क्या मक्खन की तरह उतरे हैं ये, अगर आप लोग को नजर आ रहा होगा। यार मैं कैसे दिखाऊँ आप लोग को, रुको जरा। यार नहीं, बाल बहुत ही ना, वो कहते हैं ना भुरभुर सी जो होती है, वो है मेरे, क्योंकि मैं पटखरी यूज करती हूँ, बहुत कम रह गए हैं, लेकिन बाल उतरे हैं। जिस तरह रुई रुई सी नहीं होती, वैसे उतरी है। जब इसको यूज करना है, कंडीशनर अप्लाई किए बगैर यूज नहीं करना, कभी भी यूज़ नहीं करना, और जिस तरफ बाल है उस तरफ को ही जाना है। मेरे नीचे की तरफ बाल है, मैं ऊपर से नीचे की तरफ उतार रहे हैं, ठीक है जी। वैक्स हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, इसको हम उसी डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको दोबारा पटखरी का पानी लेना है, जहाँ से हम लोगों ने बाल रिमूव किए हैं वहाँ पर हम लोगों ने ये लगा देना। देखो कितना डिफरेंस आ गया, हाय गल्ला जी, जहाँ से मैंने बाल रिमूव किए हैं, ठीक है जी। देखो कोई चीज़ बुरी नहीं है, कोई चीज़, क्योंकि यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। रेजर्स भी अच्छी हैं, वैक्स भी अच्छी है, थ्रेडिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। किसी की स्किन पे कुछ सूट करता है, किसी की स्किन पे कुछ सूट करता है, इसलिए ये कह नहीं सकते। सब मुझे कहते हैं कि इसका रिव्यू दो, देखो आधे रिव्यूज़ इसके अच्छे हैं, आधे रिव्यूज़ इसके बुरे हैं। यूज़ करना है तो कंडीशनर अप्लाई करो, उसके बाद उसी डायरेक्शन में बाल जहाँ पे है उस तरह यूज़ करो, तो कुछ भी नहीं होता स्किन का। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे ना, आपके बाल मोटे आएंगे और खड़े आएंगे, ठीक है। हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज़ कभी ज़िंदगी में नहीं करना। उसके बाद पटखरी का पानी लगा देना है, 25 मिनट के बाद मुँह धो लेना है, ठीक है जी। अब कौन सा मेथड रह गया जी, अब मैं ज़रा सोच के आती हूँ वापस। हाँ जी, अब बारी आ जाती है लेज़र की। कुछ लड़की कहती है हम लेज़र करवा ले तो हमारे बाल परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। देखो लेज़र से भी परमानेंटली रिमूव नहीं होते, आप लोग को बार बार लेज़र करवानी पड़ती है। उसके सेशंस होते हैं, 8 सेशंस लोगे, 10 सेशंस लोगे, 12 लोगे, आप लोग को विजिट करना पड़ता है, ठीक है। और एक सेशन जो अच्छे से अच्छा लाहौर में आप लोग को क्लिनिक दे रहे हैं ना, लेज़र 8,000 का दे रहे हैं, तो केड़ी आखिर आई हो ये 8,000 देने दी। इसलिए मैं तो प्रेफर करूँगी लेज़र मत करवाई जाए। क्यों करवानी है लेज़र, अगर आप लोग पटखरी का पानी इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लोग के बाल कम होंगे ही होंगे। देखो हम लोग शीशे का अगर यूं मुंह करके ना फिर देखते होते हैं, ठीक है, हमें लगता है ओहो बाल, लेकिन कोई हमें दूर से देखता है ना, उसको नहीं, उसको पता ही नहीं होता भाई आप लोग के फेशियल हेयर हैं या नहीं। इसलिए परेशान होना छोड़ दो,
कोई नोटिस नहीं करता, सिर्फ हमारे इंसान अंदर का कीड़ा होता है जो हमें कहते हैं नहीं नहीं फेशियल हेयर है, अगला बंदा भी सिर्फ यही देख रहा है, वो बिल्कुल नहीं देख रहा। आप लोग वैक्सिंग करो, थ्रेडिंग करो, रेजर यूज़ करो, पटखरी का पानी जब लगाओ, जब करो वैक्सिंग उस ऊपर लगाओ पानी, आप लोग की ग्रोथ वैसे ही कम हो जाएगी। पटखरी का पानी बालों की ग्रोथ को कम कर देता है और आप लोग की ग्रोथ नहीं आती, बहुत पतला बाल कर देता है। ठीक है जी, ये इतनी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग अब लाइक भी कर दीजिए और अब सब्सक्राइब भी कर दीजिए और क्या करना है शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद अगर मैं आप लोग को खिलारा दिखाऊं, मेरे इर्द गिर्द कितना पड़ गया है, उसके बाद तो आपको लाइक करना पड़ेगा ना, लेकिन मैं भी खिलारा नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है जी, ओके जी, अपनी दवाओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो गई होगी। अब आप लोगों ने फेशियल रिमूव इस तरह करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है और मुझे आप लोगों ने फीडबैक देना है कि इस तरह करने से आपके दाने बने या नहीं बने। अगर फिर भी इसी के दाने बनते हैं ना वैक्स करने से, वैक्स की पट्टी खींचते तो हाथ रख दिया करो, उसको गर्माइश दे दिया करो, उसको खोला मतलब हाथ मत उठाया करो। जब ओपन छोड़ देते हो ना, अंदर हवा पड़ती है पोर्स के, तो दाने बन जाते हैं, उसको फौरन पकड़ कर यूं दबा देना है, ठीक है, कुछ देर के लिए, फिर छोड़ देना, आप लोग के दाने भी नहीं बनेंगे। ठीक है जी, ओके जी, रब रखा, अल्लाह हाफिज़।